आदाब नमस्कार मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अचानक बरेली का कार्यक्रम लग गया है तमाम छोटे बड़े अफसर हाई अलर्ट पर हैं तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम मिला है साढ़े तीन घंटे का विस्तृत दौरा है सीएम के आने की के सुखबुगाहट एक दिन पहले शुरू हो गई थी लेकिन आज मिनट टू तो मिनट कार्यक्रम भी मिल गया है वैसे तो सीएम बरेली में सुबह दस बजकर पचपन मिनट पर पहुंच जाएंगे लेकिन राजकीय विमान से त्रिशूल हवाई अड्डा आने के बाद हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के ढकिया परवेद नगर के लिए निकल जाएंगे वहाँ ददरौल के विधायक मानवेंद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे जिनका चार दिन पहले दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया था बरेली का कार्यक्रम भी ददरौल विधायक के घर जाने के सबक भी लगा है खैर अब तमाम अमला तैयारियों में जुट गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से घोषित कार्यक्रम के तहत सीएम राजकीन से दस बजकर पचपन मिनट आरोप त्रिशुल हवाई अड्डा पहुंचेंगे सुबह ग्यारह बीस बजे ढकिया परवेद नगर के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे यहाँ से वापस दोपहर सवा बारह बजे आकर रामगंगा नगर जाएंगे जहाँ रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे यहाँ से इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए बारह बजे पहुंचेंगे दोपहर सवा बारह बजे से एक बजे तक सर्किट हाउस में रहेंगे यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के लिए बरेली क्लब मैदान जाएंगे एक बजे से दो बजे

और लगभग तीन हज़ार करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और वहीं पे माननीय जनप्रतिनिधिगण से वार्ता की जाएगी इसके बाद वापस लखनऊ लौट जाएंगे कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग पौने तीन सौ करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम बनाया है उसका लोकार्पण तो वहीं पे ही करेंगे और उसके अलावा बरेली क्लब में सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जिसमें प्रमुख रूप से हमारा जैसे राइफल क्लब है हमारा ऑडिटोरियम है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बना है इस तरह की सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं और बरेली को ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों कल मिलने जा रही है